जब रात को 8 बजे तक नहीं आई तो परिजन पुलिस चौकी भियाड़ में आई। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। होश में आने पर उसने बयान दिए कि 2 लड़के जो हैं वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूँकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है और हमारी टीमें लगी हुई है। कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने उससे मुलाकात की है और कलेक्टर साहब ने डॉक्टर्स को उसके बेहतर इलाज और सारी जो देख रेख है उसके लिए निर्देशित किया है। 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है। देखिए कई 2-3 संदिग्ध लोगों को हमने अभी बुलाया है, पूछताछ कर रहे हैं, पर भी हिरासत जैसा नहीं क्योंकि अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि इसके साथ ये कृत्य करने वाले कौन हैं। जैसा अभी एसपी साहब ने आपको बताया कि ये एक शिव थाना क्षेत्र में जो एक बिहार पुलिस चौकी एरिया में एक बालिका अपने घर पर थी। कल परिजन तो एक्चुअली मतदान था वहाँ पर, पंचायती राज चुनाव की वजह से परिजन वहाँ गए हुए थे। तो ये बालिका वहाँ अकेली घर पर थी तो इसको 2 जो लड़के हैं शायद बहला फुसला करके जैसे भी ले गए उसके साथ में प्राइमा फेसी जो बलात्कार करने की जो प्रकरण है वो दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जो अनुसंधान है वो जारी है और निश्चित रूप से जो संदिग्ध है वो तो कुछ बच्चों से पूछताछ भी चल रही है और यहाँ अस्पताल में हमने इसका बेहतर इलाज करने के लिए जो चिकित्सक है उन सबको पाबंद किया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही घृणा कृत्य है और निश्चित रूप से ये जल्दी वर्कआउट